नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है। और दोस्तों, आज हम इकट्ठा हुए हैं जीएसटी में एक और बड़े इंटरेस्टिंग और मच अनटच्ड टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, और वो है जीएसटी की लायबिलिटी सेकेंड हैंड गुड्स पर। देखिए, जब हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स की, तो गुड्स की सप्लाई जो है वो फ्रेश गुड्स और सेकेंड हैंड गुड्स दोनों की हो सकती है। तो आज हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे पूरा का पूरा ये वीडियो सेकेंड हैंड गुड्स की टैक्सेबिलिटी के ऊपर। हमने सेकेंड हैंड गुड्स को दो पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है, एक मोटर व्हीकल्स, दूसरा अदर देन मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल में जब आप डील करते हैं सेकेंड हैंड गुड्स मोटर व्हीकल में, चाहे वो कार्स हो, ट्रक्स हो, या कोई भी और पैसेंजर या गुड्स कैरिंग व्हीकल हो, सारे इकट्ठे हैं मोटर व्हीकल्स में। क्योंकि मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में भी यहां पर एनी मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल अडॉप्टेड फॉर यूज अपॉन रोड्स, फॉर यूज अपॉन रोड्स, रोड्स तो कोई भी मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल जो है वो यहां पर मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में आता है। अब हम बात कर रहे हैं कि मोटर व्हीकल अदर देन मोटर व्हीकल, यहां पर चार सवालों के जवाब हम इनके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला सवाल कि इनकी वैल्यूएशन कैसे होनी है, दूसरा सवाल रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, तीसरा इनवॉइसिंग कैसे होगी, और चौथा डिस्क्लोजर इन रिटर्न्स कैसे होगा इस सेकेंड हैंड गुड्स की सप्लाई के ऊपर। सबसे पहला वैल्यूएशन। वैल्यूएशन के लिए हम रूल 32 सब रूल 5 ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017 रेफर करेंगे, जहां पर उन्होंने क्लियरली हमें गाइडलाइन दिया, मैकेनिज्म दिया है कि अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं उसमें डील करते हैं, एज सच उन गुड्स को बेचते हैं या माइनर प्रोसेसिंग से बेच देते हैं, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां लगाई है वो ये है कि आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उस परचेज का नहीं लेते हैं, तो जो आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है वो बन जाएगा मार्जिन, मार्जिन बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस। हम एग्जांपल ले रहे हैं इस वीडियो के लिए, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए जिन सेकेंड हैंड गुड्स में हम डील करते हैं उसकी परचेज प्राइस है 5 लाख रुपए और उसको बेचा है हमने 5,40,000 रुपए में, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 40,000 रुपए है। ये 40,000 रुपए हमारा मार्जिन है रूल 32 सब रूल 5 के हिसाब से। ये 40,000 रुपए मेरा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है, टैक्स जो है इसके ऊपर लगना है। ये दोनों ही केसेस में अप्लाई होता है रूल 32 सब रूल 5, पहला मोटर व्हीकल, दूसरा अदर देन मोटर व्हीकल। अगला सवाल जो आता है दोनों कैटेगरीज के, वो आता है कि रेट ऑफ टैक्स क्या लगना है। दोस्तों, रेट ऑफ टैक्स के लिए मोटर व्हीकल की पहले बात करेंगे हम। हमें एक नोटिफिकेशन 8/2018 सेंट्रल टैक्स रेट 25 जनवरी 2018 को इशू थी, इसकी मदद मिलेगी। इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया है, यहां पर भी वही कंडीशन कि आपने मोटर व्हीकल, ओल्ड एंड यूज्ड मोटर व्हीकल का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया। टैक्स किस पर लगना है, मार्जिन पे लगना है। यहां दो बातें उन्होंने कही हमें 8/2018 में कि अगर आपने इन ओल्ड एंड यूज मोटर व्हीकल के ऊपर डेप्रिसिएशन लिया हुआ है सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में, तो मार्जिन कैसे निकालना है, निकालना है यहां भी मार्जिन है रूल 32 सब रूल 5 की तरह। मार्जिन कैसे निकालना है कि सेलिंग प्राइस में से घटा दीजिए, सेलिंग प्राइस में से घटा दीजिए आपकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द ओल्ड एंड यूज व्हीकल। मान लीजिए वो 5,40,000 रुपए सेलिंग प्राइस और 5 लाख रुपए जो है डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, तो 40,000 रुपए मार्जिन आ गया। पहला सिचुएशन मार्जिन निकालने का, दूसरा सिचुएशन मार्जिन निकालने का उन्होंने कहा इन एनी अदर केस, मतलब पहले में जो नहीं आ रहा जहां आपने 32 में डेप्रिसिएशन नहीं लिया, दूसरा सारे केसेस वहां पर सेम जो रूल 32 सब रूल 5 बताता है कि सेलिंग प्राइस में से परचेज प्राइस को घटा दीजिए, मार्जिन निकल आएगा। और टैक्स किस पर लगना है, मार्जिन पे लगना है। 8/2018 हम रेफर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टैक्स रेट। यहां पर ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल की बात हुई है, चैप्टर 87 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट की बात हो रही है। चैप्टर 87 सारे मोटर व्हीकल्स को क्लासिफाई करता है। इसमें टोटल इस नोटिफिकेशन में 4 एंट्रीज हैं। पहली 3 एंट्री जो है दोस्तों वो 8703 है, जो कि कार्स के बारे में बात करता है जिसमें क्यूबिक कैपेसिटी 1500 सीसी से ज्यादा लेकिन लेंथ जो है 4000 mm तक अगर है तो 18% रेट इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल SUV का भी होगा। ये 3 फर्स्ट एंट्रीज हैं जो कि स्पेसिफिक हैं 8703 कस्टम्स में टैरिफ एक्ट में, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर HSN कोड होगा इनका। उसके बाद चौथी एंट्री जो रेजिडरी एंट्री है वो 87 बोलता है, सारे ही 8703 को छोड़कर बाकी 87 सारा
12% में आएगा, जहां पर 1500 क्यूबिक कैपेसिटी सीसी से ज्यादा की उसकी इंजन कैपेसिटी है लेकिन 4000 mm से ज्यादा उसकी लेंथ है। तो सारे गुड्स कैरिंग व्हीकल, ट्रक्स, लॉरीज, सब चीजें जो जो नॉर्मली आती हैं, वो सारी जहां पर 4000 mm से ज्यादा लेंथ होगी वो 12% रेट पर टैक्स होगा। मतलब 18% सारी गाड़ियों पे और कार्स पे और बाकी अदर देन कार जो भी ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल हैं उन पर 12% रेट ऑफ टैक्स लगना है। ये 8/2018 सेंट्रल टैक्स रेट 25 जनवरी की नोटिफिकेशन है। रेट ऑफ टैक्स हमने ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल पे बात कर ली, यूज्ड व्हीकल पे बात कर ली, सेकंड हैंड गुड्स। अब बात करते हैं अदर देन व्हीकल। अदर देन व्हीकल में जो रेट ऑफ टैक्स लगना है वैल्यू हम डिटरमाइन कर चुके हैं रूल 32 सब रूल 5 के अकॉर्डिंग। जो रेट ऑफ टैक्स लगना है वो लगना है, मान लीजिए आप फर्नीचर में सेकंड हैंड फर्नीचर में डील करते हैं, सेकंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करते हैं, मोबाइल में डील करते हैं, क्लोथ में डील करते हैं, जो भी रिस्पेक्टिव रेट इन आइटम्स का होगा, फर्नीचर का जो रेट है 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में लिखा हुआ नोटिफिकेशन में वो रेट लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो रेट वहां पर 1/2017 में लिखा है वो लगेगा। क्लोथ का जो रेट 1/2017, मतलब अगर ये सेकंड हैंड गुड्स अदर देन मोटर व्हीकल है तो जो नॉर्मल रेट इन गुड्स को फ्रेश गुड्स को बेचने में लगता है 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के अनुसार, वही सेकंड हैंड गुड्स अदर देन मोटर व्हीकल पर भी लगेगा। तीसरा सवाल आता है इसकी इनवॉइसिंग कैसी होनी है। आप यहां पर नॉर्मल जैसे 16 आइटम्स रूल्स में लिखी हुई है आपके सीजीएसटी रूल्स में, आपने वो टैक्स इनवॉइस पर लिखना है। एक कॉलम आप टैक्स कंप्यूटेशन का ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए 5,40,000 रुपए जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो इनवॉइस वैल्यू है और टैक्स कंप्यूटेशन जो है वो 40,000 रुपए के ऊपर 12% 18% व्हीकल में या फिर अदर देन व्हीकल में जो भी उसका रेट है 5% 12 18 28 जो भी रेट है वो आप टैक्स कंप्यूटेशन इनवॉइसिंग कर सकते हैं। चौथा सवाल आता है कि इसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जीएसटीआर 1 एंड 3 बी में। 1 में आप जो है इस 5,40,000 रुपए के इनवॉइस की इनवॉइस वैल्यू 5,40,000 लिखेंगे लेकिन टैक्सेबल वैल्यू में आप जो 12 18 5 जो भी रेट लगाना है वो सिर्फ 40,000 रुपए लगाएंगे क्योंकि इसका मार्जिन जो है वो 40,000 रुपए और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जो है वो सिर्फ 40,000 रुपए है। 5,00,000 जो है वो आप 0% में ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपका 5,40,000 का टोटल जो है बाइफिकेशन 5,00,000 जीरो में और बाकी रिस्पेक्टिव रेट में ये आ जाएगा। 3B में आपने इसकी रिपोर्टिंग जो है वो 31A में जो है वो कैसे करनी है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई में 40,000 रुपए लिखना है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी रेट जो भी है 31A में आपने लिख देना है। 5,00,000 की वैल्यू को आप एग्जम्प्ट सप्लाईज में डालेंगे। इससे क्या होगा कि 3B में जो वैल्यू है आपकी 5,40,000 आएगी सप्लाईज की, 1 में जो वैल्यू है वो 5,40,000 आएगी और आपके प्रॉफिट लॉस में भी जो वैल्यू आपकी सप्लाईज की है 5,40,000 आएगी, आपको रिकंसिलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों सेकंड हैंड गुड्स के बारे में ये चार बातें हमने आपसे डिस्कस करनी थी, हमने इनको डिफरेंट बाइफिकेट करके बात की। आई होप कि आपको अपने प्रोफेशनल इंटरव्यूज में ये वीडियो यूजफुल रहेगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।